pause video night mode write username kavita sharma write email coding curry 01 at gmail.com write mobile 9650601894 write message i want to learn modern javascript from coding submit form day mode प्ले वीडियो so ये था आज के वीडियो का डेमो एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा. जी हाँ गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉइस कमांड के थ्रू और वो भी सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का यूज करके सो so गाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सब कुछ हमने कैसे अचीव किया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हे गाइस दिस इज़ कविता इन योर वाचिंग कोडिंग करी फ्रेंड्स हम अपने वीजा स्टूडियो कोड में आ गए हैं और हमेशा की तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट की एच और सी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी करके रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स ये हमारी इंडेक्स फाइल है इसी के साथ साथ ये जो है ये हमारा डेमो वीडियो जो कि आपने डेमो में देखा होगा ये वो वीडियो है और अगर सी की बात करें तो हमने अपनी स्टाइल सी लगा रखी है जिसमें हमारी कस्टम सी है उसके अलावा आइकन्स के जो है, वो awesome किया हुआ है और फॉन्ट में हमने रोबोटो uh, फॉन्ट किया है, font awesome है।, uh, है तो एंड uh, आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी तो फ्रेंड्स uh, आपको करना क्या है बेसिकली जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो ये देख सकते हैं आप हमारा वीडियो है ठीक है तो अभी आपको जब आप वीडियो बनाते हैं या तो आपको कंट्रोल यहां पे लिखने होते हैं जो कि आप कंट्रोल के थ्रू इसको प्ले पॉज कर सके, या फिर आपको इसको ऐसे करना है ऑटो ऑटो प्ले बेसिकली ठीक है ऑटो प्ले करेंगे सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी जो फाइनल आउटपुट प्रोजेक्ट की अभी तक जो एच एल सी एस एस का यूज करके आई है वो ये है ठीक है तो अभी क्या है क्योंकि हमने इसमें वेब स्पीच जो है वो बेसिकली वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है आ, उसको उसके लिए आपको एन ए जे एस लगानी है तो आप अगर जैसे गूगल पे एन ए जे एस लिखेंगे तो फर्स्ट ही लिंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं आपको डायरेक्टली ये नीचे आना है यहाँ पर जहाँ पर ये कोड है तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आ, जे एस है बेसिकली ये बहुत लाइट वेट है अप्रोक्स टू के बी के राउंड है तो ईजीली यह आप लगा सकते हैं आप चाहे तो सी डी एन लिंक यूज़ कीजिए या फिर आप मेरी तरह इसको डाउनलोड करके अपने जे एस फोल्डर में दग, लगा सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ से जो ये स्क्रिप्ट है बेसिकली ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी एन ए जे एस है उसको अपने uh, प्रोजेक्ट में एम्बेड uh, करेंगे ऐसे ठीक है ताकि हम एन एंग जे एस का यूज़ कर सकें उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है बेसिकली वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ठीक है तो बेसिकली फ्रेंड्स uh, uh, हो क्या रहा है देखिए uh, इस यहाँ पर एक ना इफ़ uh, पहले तो इफ़ कमांड लगी हुई है कि एन एन जे एस अगर आता है ट्रू होता है हमारे पास कुछ मिलता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसमें जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो आए और जो भी ये ऑब्जेक्ट का नाम है फिर आ, क्या होगा ऐड कमांड्स के थ्रू ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फाइनली जो हमारी एन एन है वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से काम कर करना है हमें तो हम क्या करते हैं देखिए आपको आ, ये जो कमांड है इसी के अंदर सब कुछ लिखना है तो अभी क्या हो रहा है ना अभी आ, ये जो वीडियो है वो हमारा ऑटो प्ले पे है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको ऑटो प्ले को अभी के लिए हटा देते हैं जब फाइनल आउटपुट अभी हम देखेंगे तो ही हम इसका ऑटो प्ले लगाएंगे ठीक है क्योंकि अदरवाइज़ वो फालतू में आ, वीडियो जो है वो साउंड क्रिएट करता रहता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो अभी हमें चाहिए क्या फ्रेंड्स हम हमें इस वीडियो पे ही काम करना है हमें चाहिए कि जब हम कमांड दें प्ले वीडियो तो हमारा वीडियो प्ले हो आ, पॉज़ वीडियो करें तो क्या हो पॉज हो जाए ठीक है तो उसके लिए हमें इस वीडियो को वीडियो को गेट करना पड़ेगा आईडी के थ्रू और यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे जहाँ पे ये ऐसा डेमो सा लिखा हुआ है यहाँ पर हमें क्या करना है अपनी जो कमांड है उसको लिखना है जैसे प्ले वीडियो ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस, इस लाइन को हटा देंगे और अपने जो हमारा बेसिकली वीडियो है उसको गेट करेंगे कैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई करके ऐसे गेट करेंगे और इसकी आई मैंने यहाँ पर डाल दी है ठीक है जो भी गेट होगा वो क्या हो जाए हमारा प्ले हो जाए क्योंकि वीडियो जो प्ले है बेसिकली फ्रेंड्स वो क्या है एक ऑटोमेटिक फंक्शन है तो हमें कुछ नहीं करना है बस इसको कॉल करना है उसके बाद हम ऐसे सिंपल इसको क्या कर देंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर प्ले की जगह पे क्या कर देंगे बिल्कुल सही गेस किया आपने हम यहाँ पे पॉज़ लिख देंगे ठीक है तो जब हम प्ले वीडियो करेंगे तो हमारा ये वाला चीज़ रन होगी और पॉज़ वीडियो करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है ये कमांड बेसिकली रन होगी ठीक है तो अब फाइनल अब आउटपुट देखते हैं बेसिकली तो आउटपुट ना आपको हमेशा याद रखिएगा जैसे आप ऐसे कमांड देंगे तो यहाँ पे आपको या तो कंट्रोल्स लिखना है या तो फिर ऑटो प्ले करना है तभी जो आपकी कमांड्स है वो रन होंगी तो आप ऐसे सेव कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम ऐसे ब्राउज़र में इसको हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे बेसिकली तो आपका जो आ, वीडियो है वो चल रहा है ठीक है बिल्कुल हमने पहले भी देखा था अब फ्रेंड्स आप क्योंकि मैंने ये पहले भी यूज़ कर रखा है हमारा अभी इसी ब्राउज़र पे तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको एक माइक्रोफोन से जब माइक से यूज़ करेंगे तो आपको अलाउ का एक ऑप्शन आएगा तो आपको ये अलाउ करना है ठीक है अब क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी जब फर्स्ट टाइम होता है तभी ये नोटिफिकेशन आता है और अगर आप ऐसे ड्राइव के थ्रू डायरेक्टली खोलेंगे तो हर एक कमांड के बाद आपको अलाउ करना पड़ेगा जो कि काफ़ी अनोइंग हो जाता है तो मेक श्योर sure आप लोकल होस्ट ही यूज़ करेंगे ठीक है तो चलते हैं अब अपने चेक करने के लिए कमांड हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी प्ले है तो हम कमांड देते हैं पॉज़ वीडियो तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है वो पॉज हो गया है ठीक है तो फिर अगेन आ, हम चेक करते हैं प्ले वीडियो तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है वो फिर से चल गया है ठीक है तो अभी क्योंकि हम इस पर काम करेंगे तो अभी के लिए इसको पॉज ही कर देते हैं पॉज वीडियो तो चलिए हम अपने कोड पे चलते हैं और हमारा प्ले पॉज का जो आ, है कमांड वो चल पड़ी है अच्छे से अब हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब हम यहाँ पे आए तो हम अपने लिए एक थीम क्रिएट कर ले थीम से मेरा मतलब है कि हम डे और नाइट मोड जो हैं वो क्रिएट करके रखेंगे और फ्रेंड्स मैंने अपने सी में अगर आप मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ना मैंने रूट डायरेक्ट्री में रूट में आ, अपने कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करके रखे हैं तो हम जो डे और नाइट प्ले करेंगे वो इन दो वेरिएबल से ही प्ले करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली मैं इसको कॉपी ही करती हूँ चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और हमारी जो कमांड है नेक्स्ट कमांड वो है नाइट मोड आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं यहाँ पे नाइट मोड लिख रही हूँ उसके बाद आपको करना क्या है इसको हम हटाएंगे और क्योंकि हमने रूट जो है वो उसी में वेरिएबल दे रखे हैं तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे रूट और ऐसा एलिमेंट को बेसिकली हम क्या करेंगे गेट करने की कोशिश करेंगे डॉक्यूमेंट एलिमेंट के थ्रू ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे रूट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी और यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट है वेरिएबल जो कि है वाइट और हमें नाइट मोड में उसको क्या करना है ब्लैक करना है तो यहाँ पर हम वाइट का जो होता है वो एफ 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 होता है कोड तो उसकी बजाय हम यहाँ पे इसको जीरो जीरो ज़ीरो जो कि ब्लैक का कोड है वो देंगे और इसी के साथ ऐसे ही अपोज़िट कर देंगे कि जो ब्लैक है वो ब्लैक ना होकर क्या हो जाए वाइट हो जाए ठीक है तो बस हम क्या करेंगे इसी को करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नाइट मोड की जगह पे हम क्या लिख देंगे डे दे मोड लिख देंगे और जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख देंगे जैसे कि हमने लिख दी है ज़ीरो 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 ठीक है इसको करेंगे सेव और चलते हैं तो आप देखेंगे कि क्योंकि ना हमने ऑटो प्ले लगाया हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है फिर से चल पड़ा है तो हम सबसे पहले करते हैं नाइट मोड तो देख सकते हैं हमारा जो नाइट मोड है वो आ गया है ब्लैक हो गया है जहाँ पे भी वाइट था वो ब्लैक हो गया है पॉज वीडियो डे मोड तो देख सकते हैं हमारा डे और नाइट मोड भी सक्सेसफुली चल पड़ा है ठीक है तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे अब हम थोड़ा सा इसको जो हमने अभी तक बस कमांड देना सीखा है कमांड के थ्रू हम गेट कर रहे हैं चीज़ों को तो अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं हम आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है अब हमने फॉर्म अगर लगाया है फ्रेंड्स तो किसी मकसद से ही लगाया होगा तो हम क्या चाहते हैं हम जनरली क्या करते हैं यहाँ पर हम ऐसे वैल्यूज़ को डालते हैं मैनुअली डालते हैं ठीक है तो अब क्योंकि हमारा वॉइस रिकोग्नीशन पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही गेस किया फ्रेंड्स आपने हम यहाँ पर वॉइस के थ्रू इन सारे एलिमेंट्स पे जो वैल्यूज है वो फिल करेंगे ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना है आप देख सकते हैं हमने ना यहाँ पे एक फॉर्म रेडी किया हुआ है ये वाला ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस इनपुट पे काम करेंगे और इस इनपुट पे काम करने से पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको आ, अगर एनएंग का दिखाऊं बेसिकली एनएंग जेएस में है क्या कि जब भी आप अगर एक स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए मतलब कि अभी तक तो हम कमांड दे रहे थे बट अगर हमें ना ऐसा चाहिए कि कुछ हम जैसे होता है ना आपने एलेक्सा वगैरह यूज़ किया होगा तो वहाँ पे एक एलेक्सा जो प्रीफिक्स है वो आपको यूज़ करना ही करना पड़ता है ठीक है उसी तरीके से आपको करना क्या है यहाँ पर Uh, यहाँ पे ये जो ऐसा शो ये टैग दे रखा है ना बेसिकली यही काम आएगा हमारे ये इसका मतलब ये है कि ये बोलने के बाद आप जो भी बोलेंगे वो गेट होगा चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे और जो वहाँ पे लिखा हुआ है इसको ऐसे कर देंगे पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे शो की जगह पर हमको लिखना है राइट uh, ठीक है राइट लिखा और मी की जगह पर हम लिखेंगे यूज़र नेम मतलब कि अगर हम कमांड देंगे राइट यूज़र नेम उसके बाद हमको क्या लिखना है यहाँ पे ऐसे फंक्शन लिखना है और फंक्शन में एक जो वेरिएबल है वो हम ऐसा एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर देंगे और यहाँ पर हम आएंगे और हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स जो इनपुट है बेसिकली उसको आईडी के थ्रू हम गेट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे यू नेम हमने दिया हुआ है हम यहाँ पर करते हैं लेट यू नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट by id और यहाँ पे यू नेम डाल देंगे हम और उसके बाद हम क्या करेंगे ऐसे यू नेम डॉट वैल्यू क्या कर देंगे वेरिएबल कर देंगे अब मैं आपको समझाती हूँ ये प्रोसेस क्या हो रहा है जब भी हम कुछ बोलेंगे जैसे हमने बोला राइट यूज़र नेम ठीक है तो यूज़र नेम हमने जो भी बोला वो यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पे वेरिएबल में चला गया और फाइनली हुआ क्या बेसिकली कि हम चाहते हैं यू नेम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए जो भी हमने बोला है ठीक है तो ऐसे ये काम करेगा तो इसको करते हैं सेव ठीक है और अब हम चलते हैं यहाँ पर आ, अपने ब्राउज़र में इसको बंद कर देते हैं और देख सकते हैं हमारा जो ऑटो प्ले है वो अभी वीडियो चल रहा है तो हम इसको करते हैं पॉज़ वीडियो ठीक है तो हमारा जो वीडियो है वो पॉज़ हो गया है और इसी तरीके से आप नाइट वगैरह मोड भी चेक कर सकते हैं बट अभी जो है वो हमें चेक करना है हमारा ये यूज़र नेम ठीक है तो बोलते हैं राइट यूज़र नेम कविता शर्मा तो आप देख सकते हैं हमारे यूज़र नेम में क्या आ गया है फ्रेंड्स कविता शर्मा ठीक है तो आप कर ही सकते हैं सिंपल है बट फिर भी हमें करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस और एड्रेस और यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ठीक है अभी इसको अगर हम चेक करेंगे राइट ईमेल कोडिंग ज़ीरो वन एट जी मेल डॉट कॉम तो आप देख सकते हैं आ, शायद इसने करी को मैंने आ, मिस तो हो है, शायद मैंने गलत किया है तो आप देख सकते हैं अभी ना यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है स्पेस आ रहा है ठीक है तो हमें स्पेस तो नहीं चाहिए बेसिकली तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे हम स्प्लिट कर देंगे आ, स्पेसिंग के थ्रू और बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसा कोर्स लगा के ठीक है तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आ, बेसिकली आ, स्पेसिंग आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट है वो है हमारा मोबाइल नंबर ठीक है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे या अभी मैं मोबाइल ही लिख रही हूँ सिंपल तो हम यहाँ पे लिखते हैं आ, शायद मैंने जो आईडी है वो दे रखी है आ, टेल नम करके तो हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर आते हैं करते हैं पेस्ट इसको हटाएंगे और बस सिंपल है फिर तो मोबाइल लिखा कॉपी पेस्ट ठीक है तो ये आ जाएगा ऐसे ही हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मैसेज का वो भी हम गेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको मैसेज आ, मैसेज ठीक है और यहाँ पे जो हमारा माए मैसेज करके है आईडी का नाम तो यहाँ पे हम माए मैसेज कर देंगे और यहाँ पर मैसेज चलिए और ये जो है वो हमारा मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा तो इसकी जगह पे मोबाइल की जगह पे आपको क्या लिखना है मैसेज कर दीजिए मतलब कि जब हम राइट मैसेज करेंगे तो ये कमांड चलनी चाहिए ये फंक्शन चलना चाहिए चलिए राइट मोबाइल नाइन सिक्स फाइव जीरो सिक्स जीरो वन एट नाइन फोर देखिए मोबाइल आ गया है राइट यूजर नेम कविता शर्मा देखिए कविता शर्मा आ गया है मैसेज ट्राई करते हैं राइट मैसेज आई वॉन्ट टू लर्न मॉडर्न चावा स्क्रिप्ट तो देखिए हमारा मैसेज भी आ गया है ईमेल uh, एड्रेस भी ट्राई कर लेते हैं राइट ईमेल मेल कविता एट शर्मा gmail.com तो देख सकते हैं ये आपके हमारे पास आ गया है ठीक है कविता शर्मा एट जी मेल डॉट कॉम और अब हम क्या चाहते हैं फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जब ये हम बोले सबमिट फॉर्म तो ये जो हमारी चीजें मतलब बेसिकली नॉट ये हम सबमिट फॉर्म बोलेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर मैसेज आ जाना चाहिए सो so फ्रेंड्स हमें फॉर्म को सबमिट करने के लिए करना क्या है आ, हम चाहते हैं कि जब भी ये फॉर्म हम फॉर्म सबमिट एक कमांड दें तो ये जो फॉर्म है बेसिकली ये हट जाए बेसिकली रिमूव हो जाए और क्या हो जाए उसकी जगह पे ये H2 जो है उसका ये इनर एच चेंज हो जाए और एक P जो है वो हम क्रिएट करेंगे ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्म को जो है गेट करना पड़ेगा इसी के साथ साथ एच को गेट करना पड़ेगा और ये सब किसके अंदर आ रहे हैं फॉर्म एरिया इनर के अंदर इन तीनों को हमें गेट करना है ठीक है कौन सी कमांड देके वो हम यहाँ पर देंगे तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स की जो हमारी सिंपल कमांड थी जो हम पहले दे रहे थे उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया हमने और कमांड जो हमने देनी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे सबमिट सॉरी सबमिट फॉर्म ठीक है तो वो हमने दे दिया उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से लेट फॉर्म uh, जो है बेसिकली हमारा माय फॉर्म उसको गेट करते हैं ठीक है तो गेट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माई फॉर्म चलिए ये हमारा गेट हो गया है उसके साथ हमें क्या करना है फॉर्म uh, एरिया जो इनर था बेसिकली जो क्लास थी हम उसको कॉपी कर लेते हैं ये वाली इसको करते हैं गेट क्योंकि ये क्लास है तो हम क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम इसको ईजिली गेट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं uh, हाइफ़न हटा देंगे चलिए यहाँ पर आ गया हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा डॉट देख के ये क्लास नेम ठीक है तो ये गेट हो गया इसी के साथ साथ हम सबसे पहले ये जो हमारा हेडिंग है फटाफट से इसको भी गेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर जो है उससे हम गेट करते हैं uh, ऐसे क्लास है क्योंकि एक और उसके बाद ऐसे एच टू ठीक है तो हमारी ये तीनों ही चीज़ें हैं वो गेट हो गई हैं उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है हमें जब ये कमांड देंगे तो ये जो माई फॉर्म है बेसिकली इसको हमें रिमूव करना है तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं इसको रिमूव जो है मैथड वो कॉल कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है हमें करना है ऐसे लेट एच चलिए लेट एच से पहले हम क्या करते हैं जो हमारा हेडिंग है बेसिकली हमने जो गेट किया है उसका इनर एच चेंज करके हम लिख देंगे आ, फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड ठीक है ये हमारा हेडिंग चेंज हो जाएगी उसके बाद हम ऐसे एक आ, बना लेंगे वेरिएबल और उसको कर देंगे ब्लैंक एक ब्लैंक स्ट्रिंग जो बेसिकली है वो हमने क्रिएट कर ली है उसके बाद हम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे एक बैकटिक लगाएंगे बैकटिक लगाना से इजी हो जाता है काम तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी विल कॉल यू शॉर्टली ठीक है तो ये हमने लिख दिया आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है जो हमने ये एच डी एम एल क्रिएट की है बेसिकली उसको हम इसके इनर एच डी एम एल में डाल देंगे तो जो हमारा फॉर्म इनर था उसका इनर एच डी एम एल करके हम यहाँ पे ऐसे एच डी एम एल लिख देंगे और सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो काम कर रहा है कि नहीं तो सबसे पहले हम कमांड देंगे राइट यूज़र नेम कविता शर्मा सबमिट फॉर्म तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये फॉर्म हैज बिन सबमिटेड भी आ गया है और वी विल कॉल यू शॉर्टली भी आ गया है ठीक है तो अब चेक करते हैं नाइट मोड तो देख सकते हैं हमारा नाइट मोड आ गया है पॉज वीडियो डेट्स इट गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही औसम awesome वीडियोस बनाना चाहते हैं और अपने जावा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो फेस टू फ़ेस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर ई एड्रेस से भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ uh, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले सो so फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर